हेलो फ्रेंड्स, आपका एट्रेक्टिव होम क्रिएशन चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको यह ग्राफिक ब्लाउज कैसे बनाया है उसके बारे में बताऊंगी। इसे मैंने 32 साइज का बनाया है और इसे बनाने के लिए हमें 150 ग्राम ऊन लगे हैं और यहाँ पे इसे मैंने 4 कलर का यूज़ किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक यह ब्लू, वाइट, रेड और यह पिंक कलर। इसे कैसे बनाया गया है उसके बारे में बताऊंगी। इसे बनाने के लिए 11 नंबर की सिलाई का इस्तेमाल किया गया है। इसे बनाने के लिए जैसे कि यह हमें 125 ग्राम लेने हैं और यह बाकी के इसमें ये थोड़े लगेंगे और ये सब 4 कलर से हमें इसे कंप्लीट करना है। आप चाहे तो इसे 3 कलर भी रख सकती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 4 कलर का इस्तेमाल किया है। और इसे बनाने के लिए 11th नंबर सिलाई से बनाया गया है। इसे कैसे बनाया गया उसके बारे में मैं बताऊंगी। ये सामने का भाग है। इसे बनाने के लिए जैसा कि ये फ्लावर का पैटर्न है, ये स्टार्टिंग यहाँ से होती है, यहाँ से हमें स्टार्ट करने हैं। और इसमें टोटल फंदे कितने हैं उसके बारे में मैं बताऊंगी। इसे मैंने फंदे बना के रखे हैं, इसमें टोटल फंदे 40 हैं। एक बार मैं काउंट कर देती हूँ। ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 फंदे टोटल हैं। और इस पे दोनों तरफ से हमें उल्टी सिलाई बनानी है। एक फंदे को निकालेंगे और इसे इस तरह से पूरी सिलाई हमें उल्टी बनानी है। इस तरह से पूरी सिलाई को उल्टे बनाने हैं। इस तरह से यह एक सिलाई कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट सिलाई ये सीधे ये सिलाई उल्टी सिलाई रहेगी या सीधी, दोनों में से रख सकते हैं। तो एक फंदे को, यह लास्ट पहले फंदे को हमें सीधे बनाने हैं, बाकी सारे फंदे को सीधे बनाया और बाकी सभी फंदे को हमें इस तरह से उल्टे उल्टे बनाने हैं। इस तरह पूरी सिलाई बनाने के बाद लास्ट फंदे को हम सीधी तरफ, एक फंदे को सीधे बनाना है, फिर सिलाई उल्टी करनी है। ये उल्टे तरफ की है, सारे फंदे उल्टे बनाने हैं। एक लास्ट फंदे को निकालना है उल्टे तरह से ही और फिर इसे सारे फंदे को उल्टे से बनाएंगे। इसे हमें कितनी सिलाई बनानी है उसके बारे में बताऊंगी। यहाँ से काउंट करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 15 यानी 30 30 सिलाई हमें ये दोनों तरफ उल्टी उल्टी बनानी है। मैं पहले यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे पैटर्न है, पैटर्न बनाने हैं उसके बारे में बताऊँगी। पहले यहाँ तक कंप्लीट कर लेने, यानी 30 सिलाई कंप्लीट कर लेने हैं। एक बार काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 और एक 15, यानी 30 रो यह कंप्लीट हो गया है। 30 रो कंप्लीट होने के बाद अब इस पे इस पैटर्न को बनाने हैं। इसे बनाने के लिए अब इस पे 20 फंदे हमें ब्लू से बनाने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 फंदे लू से। अब इस पर हमें वाइट वूल लगाने हैं, यानी कि वाइट वूल से अब बाकी फंदे बनाने हैं, बाकी यहाँ से यहाँ तक टोटल फंदे को वाइट से बनाने हैं। यहाँ से तीन फंदे, तीन फंदे को व्हाइट से बनाएंगे, यानी कि ये 1, 2, 3 और यह हमें यहां तक बनाने हैं 1, 2, 3 इसके 3, 3 यहां ध्यान देने हैं। यह पहली सिलाई पे ये 5 फंदे छोड़े थे, अब नेक्स्ट सिलाई पे ये 3 फंदे छूटेंगे 1, 2, 3 इधर के 3 फंदे बढ़ेंगे और इधर के 3 फंदे छोड़ने हैं, यानी टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 फंदे छोड़ने के बाद इस सिलाई को पलटनी है और फिर इसे जो जिस कलर से बना हुआ है सारे फंदे को उसी कलर से उल्टे उल्टे बना लेना है। ये कंप्लीट हो गया, अब ब्लू वाले रो को भी कंप्लीट कर लेना है इस तरह से। रो कंप्लीट है, नेक्स्ट रो से 3 फंदे छोड़कर यहाँ तक हमें इसे बनाने हैं। अब यहाँ पे ये 3 फंदे पे हमें रेड उल लगाने हैं, रेड उल से ये 3 फंदे को बनाने हैं 1, 2, 3 3 फंदे रेड से बनेंगे और ये व्हाइट के फंदे 9 फंदे हमें ब्लू से बनाने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ एक बार काउंट कर देती हूँ जैसे रेड से, यहाँ 1, 2, 3 और फिर ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 फंदे बनाने के बाद सिलाई पलटनी है, जो जिस कलर से बना है उसे कंप्लीट करने हैं। यह इससे कंप्लीट हुआ, अब रेड वाले को फंदे पीछे करेंगे और रेड फंदे को आगे करेंगे क्रॉस सेक्शन में, क्रॉस सेक्शन में इसलिए ताकि इसमें जाली ना छूटे। ये 1, 2, 3 फिर इसे पीछे करना है और अब ब्लू वाले फंदे को आगे करना है और सारे फंदे को ब्लू से बना लेना है इस तरह से, यहाँ कंप्लीट करना है। सिलाई कंप्लीट हो गई है, नेक्स्ट सिलाई एक फंदे को निकाला 2, 3,
फोर फाइव सिक्स सेवन एट, यहाँ तीन, यहाँ पे ध्यान देने हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, टेन फंदे को बनाया और एक फंदे ये रेड से बनेंगे, यानी कि यहाँ टोटल फंदे हो जाएंगे रेड के टू थ्री फोर और फाइव, एक फंदे इससे बनाने हैं, ये टोटल फंदे वन टू थ्री फोर फाइव। अब यहाँ यहाँ हमें ग्लू से बनाने हैं वन टू थ्री फोर फाइव फंदे, तीन फंदे को छोड़ने हैं, ये तीन फंदे छूटेंगे, फिर सिलाई को पलटने हैं इस तरह से, फिर जो फंदे जिस कलर से बने हैं उसे कंप्लीट कर लेना है इस तरह से, पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है यहाँ तक, ये लाइन जो है कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट सिलाई पे यहाँ टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, और ये रेड के पांच फंदे में से एक फंदे को ब्लू बनाने हैं और बाकी तीन फंदे को हमें रेड से बनाने हैं, वन टू थ्री रेड से बनाए हैं और फिर ये रेड वाले फंदे को ब्लू से बनाने हैं, यहाँ पे वन टू थ्री थ्री फंदे को बनाया और ये तीन फंदे फिर लेफ्ट रहेंगे लेफ्ट सिलाई पे। अब फंदे को आगे करते हुए सेम प्रोसेस दोहराएंगे, यानी जो फंदे जिस कलर से बने हैं उसे हमें बना लेना है, फंदे को पीछे किया और रेड फंदे आगे करेंगे और रेड वाले फंदे को बनाएंगे, फिर फंदे पीछे किया, ब्लू वाले फंदे को आगे करके सारे फंदे, यानी इस सिलाई के सारे फंदे भी सेम प्रोसेस बनेंगे। सिलाई कंप्लीट हो गई है, नेक्स्ट सिलाई पे ब्लू वाले फंदे, सारे ब्लू वाले फंदे को बना लेने हैं, यानी टू कितने हैं फंदे, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन, एलेवन ब्लू वाले फंदे कंप्लीट हो गए। अब यहाँ के तीन रेड जो हैं उसे ब्लू से बनाने हैं, वन टू और थ्री, थ्री बनाने के बाद इसे यहाँ तीन फंदे छोड़ने हैं और फंदे को पलटते हुए सेम प्रोसेस दोहराने हैं, यानी जो फंदे जिससे बने हैं उसे कंप्लीट करना है, जो फंदे जिससे बने हैं उसे हमें कंप्लीट करना है पूरे यहाँ से यहाँ तक, ये सिलाई कंप्लीट हो गई है, एक फंदे लास्ट पे सीधे बनाने हैं। अब ये नेक्स्ट सिलाई पे हमें पांच फंदे ब्लू से बनाने हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, फंदे के बाद थ्री पिंक से बनाने हैं और थ्री ब्लू से, और फिर उल्टी सिलाई पर जो जिस फंदे को बने हैं उसे बनाने हैं। अब नेक्स्ट सिलाई इसकी, यानी पिंक वाले के दूसरे सिलाई, उन सारे को फाइव ब्लू और फाइव पिंक बनाने के बाद बीच के सारे फंदे को व्हाइट से बना देने हैं, जितने ब्लू वाले फंदे हैं उन सारे फंदे को, यानी कि इस सिलाई को पूरे यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। सिलाई कंप्लीट है और ये सीधी सिलाई के सारे फंदे को पूरे जो जिस कलर से बने हैं उसे कंप्लीट करना है। फिर फंदे को पीछे करते हुए ब्लू वाले फंदे बना लेंगे। सिलाई कंप्लीट हो गई है, नेक्स्ट सिलाई पे हमें टू थ्री फोर फंदे इससे बनाए और एक फंदे पिंक वाले जो है इसे भी हमें ब्लू से बनाने हैं,
और यहाँ के बीच के तीन फंदे हमें पिंक से बनाने हैं, 1 2 3, 3 फंदे को पिंक से बनाए, और इस फंदे को हमें ब्लू से बनाने हैं, 1 2 3 4, यहाँ ध्यान देने हैं, यहाँ हमें 3 फंदे ही बनाने हैं, ये इस तरह से। अगेन एक बार देखेंगे, 1 2 3 4 5 ब्लू से, पिंक से 1 2 3, और फिर ब्लू से 1 2 3, और सिलाई पलटनी है, और जो जिस कलर से बना है उसे कंप्लीट करना है। इस तरह से अब ये नेक्स्ट सिलाई पे यहाँ ब्लू वाले फंदे सारे ब्लू से बनाने हैं, 3 4 5, और पिंक वाले भी 3 बनाने हैं, यानी 6 7 8, और ये 3 फंदे जो है इसे भी बनाने हैं, 9 10 11, और अब इसके 3 फंदे हमें, यानी सफ़ेद वाले 3 फंदे ब्लू से बनाने हैं, 1 2 3। एक बार देखेंगे, यह सफ़ेद फंदे को बनाया और फंदे पलटेंगे सिलाई, यानी यहाँ टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फंदे बनेंगे, और फिर सिलाई को पलटने हैं, सिलाई पलटकर सेम प्रोसेस दोहराने हैं, यानी कि जो फंदे जिससे बने हैं, यानी टोटल यह ब्लू से हमें कंप्लीट करना है। यहाँ तक सिलाई कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट सिलाई हमें यहाँ पे 1 फंदे को निकाला, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 फंदे इसके, और 3 फंदे ये सफ़ेद वाले को ब्लू बनाने हैं, 1 2 3, और साथ में ये सिलाई पलटनी है, सिलाई पलट कर फिर सेम प्रोसेस, यानी यहाँ से यहाँ तक यह सारे फंदे को ब्लू से बनाना है। अब यहाँ पे टोटल फंदे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फंदे बनाने के बाद इस पर 3 फंदे हमें रेड से बनाने हैं, 1 2 3, 3 फंदे रेड से बनाएंगे, और फिर इधर के 3 फंदे ब्लू से बनाएंगे, 1 2 3। सिलाई कंप्लीट होने के बाद सिलाई पलटेंगे, और फिर सेम प्रोसेस, जो फंदे जिससे बने हैं उसे कंप्लीट करना है। अब ये जो है 3 फंदे रेड के, उसे बना लेने हैं इस तरह से, बाकी सारे फंदे को बना लेना। अब इस लाइन पे हमें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे हमें बनाने हैं, और अब ये 1 फंदे जो है इसे रेड से बनाएंगे, यानी 1, फिर अगेन 2 3 और 4, 4 फंदे रेड से बनेंगे, 1 फंदे इसके भी रेड से बनेंगे, यानी 5, और ये 2 फंदे जो हैं इसे पहले ब्लू से बनाएंगे, 2 फंदे इस सिलाई के, यानी लेफ्ट सिलाई के 3 फंदे हमें ब्लू से बनाने हैं, 1 2 3, यहाँ देख सकते हैं ये 5, उसके बाद 5 फंदे ब्लू के बनाने हैं, सिलाई पलटनी है, और फिर जो फंदे जिससे बने हैं उसे कंप्लीट कर लेना है।
इस तरह से फंदे को आगे करेंगे और इसे इस तरह कंप्लीट कर लेना है। सिलाई पूरी हो गई है। नेक्स्ट सिलाई पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 यानी ब्लू वाले सारे फंदे को बना लेने हैं और यहाँ रेड का एक फंदे को ब्लू से बनाएंगे और ये बीच का तीन फंदे को रेड से बनाएंगे 1, 2, 3 और फिर एक फंदा जो ये रेड का है उसे ब्लू से बनाएंगे इस तरह से। अब इधर ये ब्लू पांच फंदे जो ब्लू वाले हैं उसे पूरे बना लेने यानी 1, 2, 3, 4, 5 बनाने के बाद इस लेफ्ट से हमें तीन फंदे यानी कि 1, 2, 3 सिलाई पलट कर फिर जो फंदे जिससे बने हैं उसे कंप्लीट करने हैं। सिलाई कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट सिलाई पे यहाँ हमें यहाँ तक यानी रेड तक ब्लू से बनाने हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये 12, 13 और ये 14 फंदे हमें इससे बनाने हैं। अब यहाँ हमें वाइट से बनाने हैं वाइट से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये फंदे बनेंगे और साथ में इसके तीन ब्लू वाले कंप्लीट बनाने के बाद इसके तीन फंदे हमें इससे लेने हैं 1, 2, 3 और फिर सिलाई को पलटनी है। पलट कर फिर यहाँ से पूरे फंदे को यहाँ तक सफेद वाले को सफेद से बनाएंगे और ब्लू वाले को ब्लू से बनाएंगे। ये सिलाई कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट सिलाई पे हमें यहाँ तक ये ब्लू से बनाने हैं। थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फंदे बनाने के बाद इस लेफ्ट से यानी लेफ्ट सिलाई से हमें इस सफ़ेद के ये तीन फंदे ब्लू से बनाने हैं 1, 2, 3 ब्लू से बनाया और बाकी यहाँ तक इसे टोटल व्हाइट से बनाएंगे यानी कि 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 फंदे इसके बने और लेफ्ट सिलाई से फिर हमें तीन फंदे को लेना है यानी कि 10, 11, 12 फिर सिलाई पलटनी है। सिलाई पलट के फिर वही सिलाई पलटनी है और जो जिस फंदे से बने हैं उसे बना लेना।
कंप्लीट हो गई ये सिलाई। नेक्स्ट सिलाई, नेक्स्ट सिलाई भी हमें यहाँ तक, यहाँ तक इसे बनाना है, इसी कलर से बनाना है, यानी कि यहाँ से अभी से यहाँ तक बनाना है। अब यहाँ पे ये कंप्लीट होने के बाद तीन फंदे, जैसे कि पहले सिलाई पे लिए गए थे, इसी तरह से तीन सफ़ेद फंदे को फिर ब्लू से बनाने हैं। ये तीन सफ़ेद फंदे बने, अब नेक्स्ट इधर व्हाइट से बनाने हैं। ये व्हाइट वाले यहाँ तक बनाएंगे, ये इतना तक बनाएंगे, और उसके बाद तीन फंदे को और बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 फंदे बने, तीन फंदे इसके 10, 11, 12। फिर सिलाई पलटने हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करना है। सिलाई कंप्लीट हो गई है, नेक्स्ट सिलाई, नेक्स्ट सिलाई पे ब्लू से सारे फंदे को बनाने हैं यहाँ तक। इस तरह से पूरे बनाने हैं, ब्लू से इन सारे फंदे को कंप्लीट करने हैं। ये सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब सीधी सिलाई, सीधी सिलाई के सारे फंदे को ब्लू से बनाने हैं। एक फंदे सीधे सीधे निकालने हैं इस तरह से, और इस पे इस तरह सारे फंदे को बनाएंगे। इस तरह से यह सिलाई कंप्लीट हो गई है, और यह एक फ्लावर कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से हमें ये देखिए, एक फ्लावर, एक फ्लावर, दो फ्लावर, तीन, तीन फ्लावर हमें बनाने हैं। अब नेक्स्ट फ्लावर के लिए ठीक सेम प्रोसेस है। यहाँ से 20 फंदे हमें, जितने फंदे यहाँ से ब्लू से बनाए थे उतने बनाने हैं, फिर वाइट से बनाने हैं, फिर सेम प्रोसेस दोहराते हुए हमें कंप्लीट करना है। एक रो मैं बता देती हूँ कि कैसे बनाएंगे। थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, एलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन, सिक्सटीन, सेवनटीन, एटीन, ये दो फंदे, 19, 20 फंदे बन गए। ये देखिए यहाँ से, फिर इस तरह से हमें ये वाले यहाँ से यहाँ तक वाइट वाले बनाने हैं, यानी कि 20 फंदे के बाद सेम प्रोसेस दोहराना है जैसा ये फर्स्ट रो पे बनाया गया, इस तरह से बनाएंगे। सेकंड रो पे फिर तीन फंदे को ब्लू से, फिर तीन फंदे व्हाइट बढ़ेंगे, इस तरह से हमें सेकंड रो थर्ड इस तरह करके कंप्लीट करने हैं। यहाँ हमें अब सफ़ेद से बनाने हैं पूरी लाइन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. इस तरह से हमें अब पैटर्न को बना लेना है। ये रो हुआ, अब इस लाइन पे यानी इस सिलाई हमें सीधे में जो फंदे जिससे बने हैं उससे बनाने हैं, फिर नेक्स्ट सिलाई फिर बनाएंगे और यहाँ पे उधर से तीन फंदे वाइट के बनाएंगे, सेम प्रोसेस। इस तरह से दोहराते हुए हमें तीन फ्लावर को कंप्लीट कर लेने हैं। तीन फ्लावर बनाने के बाद यह एक भाग कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से ये तीन फ्लावर कंप्लीट हो गया। होने के बाद फिर अगेन यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 यानी 30, 30 फंदे यानी 30 सिलाई हमें इस तरह से बना लेने हैं। दोनों साइड में देख सकते हैं, यह बनाकर इसे बंद कर देने हैं। ये इस तरह से बंद हो गया। इस तरह से यह दो पार्ट यानी ये आगे का भाग और पीछे का भाग दोनों कंप्लीट हो गया। अब इसका बाजू हमें बनाना है, बाजू भी इसी तरह बनाने हैं। ये बाजू के लिए यहाँ पे सिर्फ यहाँ टोटल फंदे इस पे मैंने इस पे टोटल फंदे 40 लिए थे। इस पे हमें बाजू पे हमें एक बार काउंट कर देती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ये 24 फंदे लेने हैं। 24 फंदे लेकर ठीक उसी तरह यानी कि यहाँ भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 फंदे हमें यानी 15 सिलाई हमें सेम जैसा कि इस पे जितना बनाया है उतना बाजू का भी 15 यानी 30 सिलाई हमें उल्टे उल्टे बनाने हैं। अब यहाँ पे फ्लावर सेम है, सिर्फ यहाँ हमें ध्यान देने हैं कि यह फ्लावर जो था यह 5 यहाँ पे 5 फंदे छोड़े गए थे और फिर तीन तीन का गैप था, जैसे यहाँ हमने तीन तीन और तीन इस तरह का बनाया। यहाँ इस पे है कि यह सिर्फ यहाँ दो दो फंदे छोड़ने हैं, इससे थोड़ा सा छोटा बनाना है। ये दो फंदे छूटेंगे सिर्फ यहाँ पे और यहाँ यानी कि फर्स्ट जो है स्टार्टिंग जो है इसका दो फंदे रहेंगे। यहाँ भी दो फंदे, यहाँ भी दो फंदे। यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में इसके 5 फंदे छोड़े हैं और यहाँ तीन तीन फंदे का गैप किया है। अब बीच वाले फंदे पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 20 ये टोटल 20 फंदे का है और यहाँ पे यह टोटल जो आएगा यहाँ से हम काउंट कर लेते हैं एक बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 फंदे में हमें 1, 2 छोड़ने हैं और अगेन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 फंदे यहाँ पे रहेंगे। अगेन फिर दो फंदे बढ़ेंगे 12, 14। इस तरह से हमें यह बाजू कंप्लीट कर लेना है। बाजू थोड़ा छोटा बनेगा। इस तरह से ये दोनों हमें कंप्लीट करने यानी कि हमें 4 पार्ट बनाने हैं। ये दो आगे पीछे और यह बाजू। अब यह कंप्लीट होने के बाद इसकी सिलाई करने का तरीका कैसे है उसके बारे में बताऊंगी। सिलाई करने के लिए सिलने का प्रोसेस के लिए यह एक पार्ट यह किनारे पे लगाया और यह पीछे का पार्ट को इस तरह से रखें उल्टा। और यह सबसे पहले हमें यहाँ सिल यहाँ के बारे में बताना है। यहाँ के बाद के लिए ये बाजू वाला पार्ट है, इसे मैं अभी हटा देती हूँ।
बाजू वाला पार्ट है, यह फ्लावर ऐसे आएगा, यह इस तरह से, यह जो है ऐसे, यहाँ ध्यान देना है, इसका जो ये पार्ट इसके ठीक सामने आएगा, यानी कि इस तरह से हमें यहाँ ज्वाइंट करना है। ज्वाइंट करने के लिए इसे उल्टा कर लेना है, एक सीधा एक उल्टा, और इस तरह से हमें ये फ्लावर तक, सिर्फ ये फ्लावर का, इसका फ्लावर और ये दोनों का जो जहाँ पर ज्वाइंट होएगा यहाँ तक ही हमें ज्वाइंट करना है। इस तरह से यहाँ से यहाँ तक हमें सिल लेना है, यहाँ तक इसे कंप्लीट करना है, यानी इस दोनों के सीधे सीधे यहाँ तक सिलने हैं। अब इसे यहाँ कट कर लेना है। इस तरह यह एक तरफ ज्वाइंट हो गया, अब दूसरे तरफ इस तरफ फोल्ड करेंगे और इसका यह पार्ट, इस पार्ट को उल्टा करेंगे, ऐसे उलटकर फिर इसके कॉर्नर से यहाँ तक इस तरह से सिल लेंगे। इसको सिल लेंगे तो यह बाजू कंप्लीट हो जाएगा एक तरफ से। फिर यह सिलने के बाद हमें ये सिलाई हो जाएगी इस तरह से, और फिर हमें यहाँ से यहाँ तक सिल लेना है। इस तरह से हमें दोनों तरफ सिल लेना है। इस तरह से यह सिलने के बाद यह आगे की तरफ और पीछे की तरफ दोनों तरफ सेम होगा। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ ये हाफ सिलाई, हाफ नहीं, इतना हमें छोड़ना है ताकि पहनने में यह दिक्कत ना हो। इस पे हमें यहाँ पे हमें ये वाले बटन हमें लगाने हैं, इस तरह से इसे एक या इस तरह कंप्लीट हो जाएगा। इसे या तो इस साइड से, दोनों तरफ से आप इसे पहन सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।